व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो वी वर स्टडिंग इंडियन इकोनॉमिक्स और आज का हमारा टॉपिक होगा अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। सो अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपली मतलब होता है, ये एक सिचुएशन होती है जिसमें लोग काम करने योग्य होते हैं, दे आर एबल टू वर्क एंड वो इच्छा रखते हैं काम करने की, दे आर विलिंग टू वर्क, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, बट दे डू नॉट गेट द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर सिंपली बताएं तो कि कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल इन एन इकोनॉमी एमंग इंडिविजुअल्स करेंटली इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये नोट है यहाँ पर। इसका फॉर्मूला होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी के अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉट इज दिस अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज अ सिचुएशन व्हेन द जॉब्स आर अवेलेबल एंड ऑल्सो द वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क बट दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड जॉब स्किल्स टू क्वालिफाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजिशन। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि वर्कर्स आर एबल टू वर्क एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क एंड ऑल्सो द जॉब्स आर वेकेंट बट दे कैन नॉट क्वालिफाई दैट जॉब बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्स। उनका स्किल्स नहीं होती इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स वेन अ पर्सन लीव अ जॉब इन सर्च ऑफ अ बेटर जॉब। The time period between leaving and getting the job, the person remains unemployed and it is considered as frictional unemployment. तो इसमें क्या होता है, एक person अपनी job जान के छोड़ देता है in search of a better job. तो वो जो time period होता है when he is between the jobs, वो होता है frictional unemployment. ठीक है, third is cyclic unemployment. Cyclic unemployment occurs during the phase of recession and depression when the level of income is low, production is low and unemployment is high. तो इसे इसमें कंफ्यूज मत होना, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है वो आपने ट्रेड साइकिल देखी है ना, जब रिसेशन का टाइम होता है ना, नीचे जब होता है रिसेशन और डिप्रेशन, जब प्रोडक्टिविटी लो होती है एंड इनकम भी लो होती है, तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो नेचुरल सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई होगा, तो इन दिस केस साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दिस इज वेरी कॉमन इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसमें क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर एबल टू वर्क एंड गेटिंग द वर्क बट विलिंगली नॉट एक्सेप्टिंग द वर्क। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, लोगों को काम मिल रहा होता है और वो एबल भी होते हैं काम करने के बट विलिंगली दे डू नॉट एक्सेप्ट द वर्क। इसमें ये टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि इसमें पर्सन अपनी विल से ही काम नहीं कर रहा होता, उसे काम मिल रहा होता है। ठीक है, फिफ्थ वन इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। It occurs when the workers is employed on a day-to-day basis for a contract job and have to leave it once the contract is terminated. कोई भी contractual job होती है ना, तो एक बार जब contract खत्म हो जाता है तो वो unemployed हो जाता है, तो that is this type of unemployment. Sixth one is seasonal unemployment. It is kind of similar to casual unemployment. इसमें क्या होता है, जैसे for example agriculture sector में sugar cane का production किसी season में ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उस चीज़ का, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही सीजन खत्म हो जाता है लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन द डिमांड ऑफ द मैन पावर एज वेल एज द कैपिटल स्टॉक रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन अ ईयर। ठीक है, सेवेंथ वन इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन इन विच व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड If extra people are being removed, there will be no effect on the marginal productivity. इसमें क्या होता है कि ज़्यादा लोग select हो जाते हैं पहले से ही, तो अगर उनको हटा भी देते, for example 8 की ज़रूरत थी हमने 10 रख लिए, तो 2 को फिर unemployed कर देते हैं क्योंकि उनसे फिर marginal productivity में फ़र्क नहीं पड़ता। So this is disguised unemployment. Last but not the least, eighth one is chronic unemployment. क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट मींस प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। इन अदर वर्ड्स क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टिंग इन द इकोनॉमी।
फॉर एग्जांपल जैसे कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई या फिर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, तो इसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. सो दैट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.